जे बाहर दी अमीरी नाल अपनी गरीबी ना झलकी अंदर दी दुखी होवेगा। यह अमीरी इसका नाश करके तरके थी। बाहर दी अमीरी का एक ही फायदा है, अपने अंदर दी गरीबी दिस पवे। बाहर दे इलेक्शन जीतन का एक फायदा है, अपने अंदर दी हार दिसन लग पवे, यह बैरागी हो जाएगा। बाहर दी अमीरी चाह है, बाहर दा इलेक्शन जितना चाह है, बाहर दी बहुती पढ़ाई का एक ही फायदा है, अपने अंदर दी अनपढ़ता दिसन लग जाए। जिन्होंने बाहरों बहुता पढ़ के अपनी अनपढ़ता नहीं दिसी, बिल्कुल वैरागी नहीं हो सकते। जिन्होंने बाहरों इलेक्शन जीत के अपने अंदर दी अपनी हार नहीं दिसी, बिल्कुल वैरागी नहीं हो सकते। जिन्होंने बाहरों अमीरी लैके अंदर दी गरीबी नहीं दिसी, बिल्कुल वैरागी नहीं हो सकते। जिथे मर्जी चला जाओ नहीं होंगे और तंग हो गए। मैनू कह देना बेड़ी टुरदी भी पानी च, बेड़ी डुबदी भी पानी च। बंदा कारोबार भी परिवार विच करदा तां खेर डुबदा भी परिवार विच ही है, वासनावां विच ही है। होर की हुंदा है? नहीं वैराग, वैराग नहीं पल्ले। मेरे पातशाह कृपा करदे ने, बख्शिश करदे ने। जिथे गुरु रामदास साहब ने 575 ते 76 सफे ते घोड़ियां लिखिया ने, उत्थे मेरे सतगुरु नानक साहब जी ने 578 सफे दे नाल ही अलाणियां लिखिया ने। अलाणियां उस वेले पढ़िया जांदियां ने जदों किसी की मौत हुंदी है। उसे गुरु ने 578 सफे दे नाल ही 76 ते घोड़ियां खत्म हुंदियां ने। विचकार गुरु रामदास साहब पातशाह दे शब्द ने, गुरु अर्जन साहब दे नाल ही अलाणियां लिखिया गुरु नानक साहब ने कि किधरे घोड़ियां दे चाह विच तू भुल ना जाई, मौत भी सिर ते खड़ी है। कितने खुशी विच चाह विच वैराग ना भुल जाई। मेरे पातशाह कह रहे ने, कृपा कर रहे ने कि जे पहली पंक्ति आप जी ने, मौत नूं सुनना ते पढ़ना है बड़ा औखा, पर वेख लीए पढ़ के। तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया, अगे मोहलत पुन्नी पाई भरी जानेड़ा घट चलाया। रुन्ने वीर सबाए, काया हंस थिया विछोड़ा, जां दिन पुन्ने मेरी माए। जिस दिन व्याह दी घोड़ियां दे नाल पंक्ति इसनूं याद होएगी, याद रखना यह चाह ते वैराग इकट्ठा हो जाएगा। फिर यह व्याह विच ओ काम नहीं करेगा जेड़े गुरु नूं नहीं पाउंदे। यह भी मर्ज कर दिया, नहीं पाउंदे, बिल्कुल नहीं करेगा। इस वास्ते मेरे पातशाह ने तीसरी लां विच चाह ते वैराग नूं इकट्ठा कीता है। गुरसिखा, जिंदगी विच जिन्ना मर्जी तेनूं धन दे देवे गुरु, जिन्नी मर्जी प्रभता ते वडियाईयां दे देवे, याद रखी धर्म दे थले दबा के रखी, उत्ते ना चढ़न दई। तां मेरे पातशाह कहिंदे हर तीजड़ी लाओ मन चाओ भया, वैरागियां बलराम जीओ। वैरागवान बड़े वैराग नाल उस चाह नूं भुगदे, वो आपे तो बाहर नहीं हुंदे, वो ते धन नाल प्रभता नाल वडियाईयां नाल। वो मौत नूं नहीं भुलदे रंग तमाशियां विच। सतगुरु इस नूं किस तरह बयान करदे ने, जो मेरे हिरदे विच आई गल मैं तुहाडे नाल कहण लगा। जदों बरात चाह ते वैराग दी गल करन लगा, हुण संसारी विआह नाल, जदों बरात दरवाजे ते आउंदी है, मां बाप दीआं अखां विच चाह है, चेहरे ते बड़ी मुस्कुराहट है, सच्चे पातशाह इज्जत पत नाल साडी बेटी अपने घरों रवाना होण लगी है। याद रखना उही बेटी जदों शामां नूं डोली विच पैर पा के घरों निकलदी है ते मां बाप रो रहे हुंदे ने, वैराग। ओही कुड़ी डोली विच पै के रो रही हुंदी है जेड़ी बरात आउण वेले हस रही सी। मैं कुर्बान जावा अपने गुरदेव तो, जिन्हें इस तरह की फिलासफी गुंद के रख दी है गुरु ग्रंथ साहब। मैं ये भी अर्ज करा, एक पासे चाह है बरात आई दे, मां बाप बड़े खुश ने, ओही मां बाप शामा नूं डोली टोरन लग्या रो रहे ने, वैरागी ने। मैं अर्ज करदा, एक पासे मां बाप दा घर छड के बेटी वैरागी हो रही है, तुसी भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हां, सब दे घर वापरिया है। कोई पत्थर दिल मां बाप होवेगा जेड़ा कुड़ी दी डोली करन टुरन लग्या रोया नहीं, उहदे कोल मां दा दिल नहीं होएगा, बाप दा दिल नहीं होएगा। तुसी भी गृहस्थी हो, अपने अंदर झाती मार के वेखो ते उस गुरु दी रहमत वाल झाती मारो जिन्हें बख्शां कीतियां ने। इन्ने वड्डे खजाने नूं असी लोग बिल्कुल नहीं जाणिया ते किसे नूं भी नहीं जना सके। अगर कोई मां कोई बाप डोली टोरन लग्या बच्ची दी नहीं रोया, मैनू कहण देना मां बाप दा दिल नहीं होएगा, उहदे कोल पत्थर होएगा, जां उहने सारी उम्र उसनूं बच्ची नहीं समझिया होएगा। सतगुरु तरस करन, एक पासिओं बच्ची अपने पेकिआं नूं छड रही है, वैराग है, दूजे पासे चाह वे चंगे पति दे लड़ लग रही है। मैं अर्ज करदा, जदों सियाणी बच्ची पहुंचदी है सहुरे घर,
ते सियाणी बच्ची दे ए लक्षण ने वो अपनी ननान कोलों या सस कोलों पुछ लैंदी है मेरे सौरा साहब नू मेरे पति नू की हो जा टेस्ट सब्जी दा पसंद है लून मर्च किन्ना कु की हो जा खांदे ने मैनू ते नहीं पता मेरे पातशाह ने बाणी चाख्या तां मैं कह रहा उन्हें नहीं पता उन्हों को पुछदी है कि किस तरह का पसंद करते ने मैं उस तरह का बनावा जिस तरह का पसंद करते ने मैनू नहीं पता इन्हें टेस्ट का सतगुरु उसे बयान करते ने परमार्थ विच ज्यों पुरख कर भगती नार है अत लोचे भगती पाए बहु रस सालने स्वार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाहें हर नामे चित लाए ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचे भगती पाए बहु रस सालने स्वार दी बहु रस सालने स्वार दी आप जी पता होना सालना सलूने नू कहिंदे ने सब्जी नू पंजाब दी भाषा है बहु रस सालने स्वार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाहें हर नामे चित लाए मैं इत्थे रुकना चाहना जिस तरह बच्ची नू नहीं पता टेस्ट दा सतगुरु त्रीजी लाह विच दसदे ने ऐ मेरे मालिक मेरे परवरदिगार तू अनहद दे शब्द ते मेरे अंदर वजा दिते ने पर मेरा किधरे चाय हंकार ही ना नहीं पता तू कि खुश हुंदा है जेकर तू खुश हो गया तो कुदरे दी रोटी ते हो गया 36 प्रकार दे पकवाना ते नहीं होया जे तू खुश हो गया तो पीरनी दे बेरा ते खुश हो गया जूठिया ते नहीं खुश होया जे तू खुश होया तो अलूई साग ते खुश हो गया नहीं होया मैं मेरा की करेगा बहुते मिठे खट्टे रस बना के तेरे अगे जे तू पसंद ही ना करे तो फिर जो ही मेरा अहंकार बन जाए मैं बड़े अनहद शब्द सुन लग पिया वा मैं बड़ा पाठ करदा मैं बड़ी कथा करदा वा मैं बड़ा दान करदा वा सतगुरु कहिंदे जेड़ी बच्ची पेके घर दा अहंकार चुक के नाल लियांदी मैं बड़े अमीरां दी धी आ मैं बड़ी पढ़ी लिखी आ गुरदेव कहिंदे कदी एडजस्ट नहीं हो सकदी मेरे गुरु ने किस तरह एक एक बचन नूं किन्नी गहराई विच गुंदिया है आख्या बो रस सालने स्वार दी खट रस मीठे पाए त्यो बाणी भगत सलाहें दे हर नामे चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए ओ जीव रूपी स्त्री अपना तन मन तन गुरु अगे वेच देंदी है मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए पै भगती भगत बो लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ वे परवाह है कित खादा ते बताए आख्या तू ते बेपरवाह है तू अलूने साग नू खा के खुश होया बिदर दे कर तू नहीं गया दुर्योधन दे कर मैं दरम्यान विच आ गई ये गल क्योंकि असी निमित आनंद कार्य तो दोहां शरीरां दे आनंद कार्य तो आत्मक आनंद कार्य दी गल करनी है केवल शरीरां नाल नहीं जुड़ जाना कह दिता कृष्ण महाराज नू दुर्योधन ने भगवान मैनू तेरे राजा होण ते भी शक है एक गरीब जे साडे नौकर दे घर जाके रात रहा है मेरे घर नहीं आया मैं ते बड़े बहुत वधिया वधिया तेरे वास्ते बिस्तरे विछाए सन ते भोजन तैयार किए सन की मिलिया तेनू जाके उत्थे जो कुछ कृष्ण महाराज ने आख्या दुर्योधन नू धन गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच कलमबंद कीता है ते बोल ने राजन कौन तुम्हारा आवै ऐसो भाव बिदर को देखियो ओ गरीब वे पावै राजन कौन तुम्हारा आवै ऐसो भाव बिदर को देखिया ओ गरीब वे पावै हस्ती देख परम पै पूला श्री भगवान ना जान्यो तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मान्या खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रहन बिहानी कबीर को ठाकुर अंध विनोदी जात ना कहूं की मानी पातशाह कह रहे आख्या जेकर मैं तेरे घर आऊंगा तू आउंदे ही आखना सी कृष्ण महाराज कोई तरीका दस पांडवां नूं किवें मारा उनका नाश किवें करिए ते जिदे घर मैं रहा सारी रात रब दे गुण गांदे रहे हां गुण गावत रहन बिहानी खमीखीर समान साग मैं पाया ते इतिहास ए भी कहंदा है बिदर जी दी घरवाली प्यार विच साग विच लून पाना भी भुल गई सी इस वास्ते बच्ची पेके घर विचों एक दिन चाह दा हंकार ना लेके आवे मैं बड़ी पढ़ी लिखी मैं बड़ी सोहनी मैं बड़े अमीरां दी धीआं खुआर होवेगी बच्चा किधर ना समझ लै असी बड़े अमीर हाँ मैं बड़ा पढ़िया लिखिया वा मैं बड़ा सियाना वा खुआर होवेगा मेरे पातशाह ने आख्या खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रहन बिहानी सारी रात परमात्मा दे गुण गांदे रहे हैं बिदर ना लड़के कबीर को ठाकुर अंध बनेदी जात ना कहूं की मानी इस वास्ते सतगुरु कृपा करते ने बख्शिश करते ने
पंक्ति ते हाली एक भी नहीं टुरी ते समा ते नेड़े आ चलिया। मेरे पातशाह कह रहे तीजड़ी लाओ मन चाओ भया बैरागिया बलराम जीओ। आख्या मन विच वैराग आ जांदा, बस जो ही मन विच वैराग आ जांदा मन थले डिग पैंदा है, हंकारी नहीं रहिंदा। चाह ते वैराग कट्ठा कीता गुरदेव ने, इहो जिहा सुख करोड़ रुपया रोज कमाण वाला भी गरीब नूं भी फतेह बुला के लगेगा। अगर यह बात तुहाडी समझ में आ गई गल, इहो जिही बच्ची धी नूं सब दा सत्कार करेगी कोई होवे, जिन्हों ये दात गुरु देगा गुरु रामदास साहिब पातशाह देंगे। हर तीजड़ी लाओ मन चाह भया बैरागियां बलराम जीओ, वो चाह ते वैराग नूं कट्ठा कर लेगी, ते जेड़ा चाह ते वैराग नूं जिंदगी विच कट्ठा नहीं कर सकिया वो फेल हो जाएगा। यह भी मैं बेनती कर दिया, तानो दे सिर ते चढ़ के नचेगा अवश्य नचेगा, तो फिर यह गल सामने आएगी। जिन्हें कृष्ण महाराज ने आख्या तेनों उत्थों की मिलिया, उहदे प्रति सतगुरु कहते ने मेरी मेरी कहो करते दुर्योधन से भाई, बारह योजन छतर चले था देही गिरजन खाई। बस आ निकलिया उहदे विचों, चाह विचों, केवल चाह विचों, प्रभता विचों आ निकलेगा, प्रभता विचों यह निकलेगा। सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई, कहां पै दर बांधे हाथी छिन मैं पई पराई। यह निकलेगा उहदे विचों। मैं अर्ज करते हैं सतगुरु कृपा करते ने, हर तीजड़ी लाम मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो। सतगुरु कहते हैं चाह ते वैराग परमेश्वर नाल मिला देगा, रब दे प्यारियां दी संगत कराएगा। ऐसा हरी मिल गया सब दी सत्संगत करके, क्यों हुण जेड़ा चाह है उहदा हंकार नहीं रहा। ते याद रखना हनेरा ते प्रकाश कठे नहीं रहिंदे, हौमै ते रब कठे रहिंदे नहीं। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए। मैं अर्ज कर दिया तो तेरे पातशाह कहंदे ने, कृपा करदे ने मेरे गुरदेव, संत जना हर मेल हर पाया, आख्या रब दे प्यारियां दी संगत करके हरी मिल पिया। संगत करनी असी फिल्म स्टारां दी, हरी कितों मिलना है? जिन्हों के अपने घर उजड़ गए उन्होंने संगत कर रहे पे, तेरा क्या वस जाएगा? मैनू सारी दुनिया से अज तक एक भी फिल्म स्टार ऐसा नहीं मिले जिसका अपना घर वसिया हो। शायद तुहाडे इत्थे कोई होवे तो मैनू पता नहीं, एक भी फिल्म स्टार का घर नहीं वसिया। आप जी नूं पता है मेरा इंटरस्ट कोई नहीं, पर मैनू पता है इस गल का सी किसी गल नूं, क्योंकि स्टेज पर कहनी हुंदी गुरु लाज रख लवे। पृथ्वी राज कपूर का घर उन्ना चिर वसिया जिन्ना चिर उन्हें आख्या मेरे जीवंदियां मेरे घर की नूह ते ती फिल्म च नहीं जा सकती। शायद तुहानू पता होगा पृथ्वी राज कपूर ने आख्या सी मेरे जीवंदियां मेरी ती मेरी नूह किसी फिल्म च नहीं जा सकती, वसदा रहा घर उन्ना चिर। हर एक चीज विचों गुरु के गुण बख्शिश मिलते ने, ग्रहण हो सकते ने। दृष्टि कोई नहीं, विवेक बुद्धि कोई नहीं, गहराई कोई नहीं, गराई ते चमड़ी तक जा रही है, थले फिर की पता की है। इस वास्ते सतगुरु ने संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जीओ। सारी जिंदगी दा फल निकलना है लावां विचों, ते 15 मिनट लोग लगन नहीं देंदे। भाई साहब जी छेती करो, भाइयों बेचारियां दी जान नूं बणी हुंदी, छेती करो। कोई तां 12 वजे चलन छेती करो, पर रात नूं 2 वजे दे शराब पी दो छेती हुंदी, उदों छेती नहीं हुंदी। मेरे पातशाह कहिंदे संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जीओ, निर्मल हर पाया हर गुण गाया।